सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सर्विसेज विभाग ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भेजी गई फाइल को लौटाया। सिसोदिया ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हुई अवमानना। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का केजरीवाल पर तंज। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को झगड़े, लड़ाई और धरने के अलावा कुछ नहीं आता। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर छिड़ी जंग पर केंद्रीय मंत्री विजय गोयल का बयान। दिल्ली का विकास करने के अलावा सभी काम करती है केजरीवाल सरकार। सीबीएसई पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस ने बवाना के मदर खजानी स्कूल के प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। इकोनॉमिक्स पेपर मामले की थी जानकारी। दिल्ली के बुराड़ी में भाटिया परिवार के सामूहिक रूप से आत्महत्या से पड़ोसियों की रातों की नींदें उड़ी। लोगों को लग रहा है डर। एसडीएम के तानाशाही रवैये के विरोध में दादरी के वकीलों ने सांकेतिक हड़ताल पर जाने का लिया निर्णय। दादरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र भाटी ने दी जानकारी। ऑल इंडिया आईपीएससी गर्ल्स अंडर 14 बास्केटबॉल टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। 6 जुलाई तक जेनेसिस ग्लोबल स्कूल में चलेगी प्रतियोगिता। सेक्टर 122 में नोएडा प्राधिकरण और आरडब्ल्यूए टीम ने 500 जामुन के पौधे रोपे। सेक्टर 122 में पौधारोपण कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। तिगांव के लेबर चौक पर 30 जून की रात को एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मामले में 12 के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। फरीदाबाद के बीके चौक पर नगर निगम की जमीन पर अवैध तरीके से बनी दुकान को तोड़ने के लिए कार्रवाई। दुकानदारों ने निगम की टीम का किया विरोध। मिर्जापुर पहुंचे अमित शाह का कार्यकर्ताओं को निर्देश। संगठन को मजबूती देने के साथ ही विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच लगाएं सेंध। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का बड़ा दावा, इस बार भी यूपी की जनता देगी मोदी का साथ। दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए दिलाएगी 74 सीटें। इलाहाबाद में जूनियर डॉक्टर ने अस्पताल प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर खुदकुशी का किया प्रयास। घटना के विरोध में आज सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर। इलाहाबाद में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया 2 राज्यों का मोस्ट वांटेड डकैत महेंद्र पासी। बदमाश महेंद्र पासी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तबादला एक्ट में सरकार के संशोधन की कवायद को बताया गलत। कहा, पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए तबादला एक्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा। 7 से 26 जुलाई तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा निरीक्षण। मुख्य सचिव सुरेश चंद्र जोशी ने दी जानकारी। बिहार के अररिया में सड़क हादसा। NH-57 पर बेलगाम ट्रक ने सड़क पार कर रहे मवेशियों को रौंदा। 11 मवेशियों की मौत। बिहार के वैशाली में भीड़ ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए चोर को पीट पीट कर मार डाला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भूमि अधिग्रहण विधेयक के विरोध में विपक्षी दलों ने बुलाया बंद। कांग्रेस के सुबोध कांत और बाबूलाल मरांडी सहित 18 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। रांची में महिला ने बेटी के हाथों की नसें काटने के बाद खुद को मारा चाकू। पारिवारिक विवाद के चलते खुदकुशी की कोशिश। रिम्स में कराया गया भर्ती। दुर्गापारा में बना डैम कभी भी हो सकता है ध्वस्त। डैम के पानी से हजारों एकड़ की जमीन में होती है खेती। सैकड़ों किसानों के चेहरों पर छाई मायूसी। बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू नहीं किए जाने को लेकर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा, जिम्मेदार एजेंसी और अधिकारी बताएं कि कब तक शुरू हो पाएगी हवाई सेवा।
छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से विधानसभा में विपक्ष और सरकार आमने सामने। शराबबंदी के मुद्दे पर विपक्षी विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण रोकने गई टीम पर किया हमला। हमले में घायल पुलिस वालों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, दो की हालत गंभीर। भोपाल में झमाझम बारिश का लोगों ने उठाया लुत्फ। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे भारी बारिश की जताई आशंका। मध्य प्रदेश के सीहोर के जिला अस्पताल में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर की तोड़फोड़। पुलिस ने दोषी चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई का दिया भरोसा। राजस्थान के कोटा शहर में रेलवे ट्रैक के पास तीन शव मिलने के बाद उद्योग नगर थाना इलाके में फैली सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के सीकर में अपराधियों ने पुलिसकर्मियों पर की फायरिंग। फायरिंग में एएसआई गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के पूर्व एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे की मौत की दोबारा जांच कराए जाने की मांग संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। याचिका में साजिश के तहत हत्या करने का शक। महाराष्ट्र के धुले में बच्चा चोरी के शक में 5 लोगों की हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी महारू पवार को महाराष्ट्र पुलिस ने किया गिरफ्तार। करनाल में पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या। मृतक का शव घर के एक कमरे से हुआ बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जज्जर जिले के धानलान की पंचायती जमीन पर कब्जा छुड़ाने गई पुलिस की टीम पर पथराव। पुलिस ने पथराव के मामले में 9 लोगों को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम के एक पब पर पुलिस ने मारा छापा। पुलिस ने किया जिसमें फिरोशी के कारोबार का खुलासा। 2 लड़कियों समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार। झूठे केस में फंसाकर करीब 5 महीने तक जेल में रखने के मामले में हाई कोर्ट ने पीड़ित केमिस्ट को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का दिया निर्देश। 7 पुलिस वालों को देना होगा 5 लाख का मुआवजा। मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में आयोजित द ग्रेट खली रिटर्न रेसलिंग चैंपियनशिप में देशी और विदेशियों का रहा जलवा। खली के चेले शैंकी ने जीता खिताब। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का बयान। कहा, जब तक देश में नरेंद्र मोदी की आंधी है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का आदेश, सभी सरकारी कर्मचारियों का डोप टेस्ट अनिवार्य। वार्षिक चिकित्सा परीक्षा के अलावा अनिवार्य दवा जाँच का आदेश। पंजाब में धार्मिक स्थल और रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी। पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर में रेड अलर्ट। रेलवे स्टेशन मास्टर को एक अज्ञात खत में मिली धमकी। 10 नगर में युवाओं ने 3 नशेड़ियों को रंगे हाथ पकड़ा। लोगों ने पेड़ से बांध कर की नशेड़ियों की पिटाई, बाद में पुलिस के किया हवाले। खराब मौसम और भीड़भाड़ के चलते अमरनाथ यात्रा रोकी गई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी नहीं कर सके बाबा बर्फानी के दर्शन। कर्नाटक में 34,000 करोड़ की कर्ज माफी का ऐलान। हर किसान का 2 लाख तक का कर्ज होगा माफ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने पेश किया बजट। अरुणाचल प्रदेश में हटाया जाएगा धन परिवर्तन पर बना 40 साल पुराना रूपांतरणों के खिलाफ कानून। राज्य में धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा बनता जा रहा है कानून। असम में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स के पहले प्रारूप के करीब 1.5 लाख लोगों को अंतिम प्रारूप में नहीं किया गया शामिल। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पाई गई खामियां। असम के गुवाहाटी में बारिश की वजह से नदियां उफान पर। भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आए करीब 5 जिले। असम में बाढ़ से अब तक 32 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल देगा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका। राहुल के दौरे से पहले 2 हिस्सों में बटी पार्टी। पार्टी का एक धड़ा तृणमूल के साथ, दूसरा माकपा का थामना चाहता है हार। उत्तर बंगाल में नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण शहर के कुछ हिस्सों और कई गांवों में जल प्रवेश कर जाने से लोग परेशान। जल जमाव के बाद होने वाली बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग को किया गया सतर्क।
आसनसोल डीएम कार्यालय में फसल बीमा को लेकर की गई बैठक। बैठक में फसल बीमा के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण और आपदा पर क्षतिपूर्ति देने पर की गई चर्चा। भाजपा नेता मुकुल रॉय के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में हाईकोर्ट का निर्देश, अदालत अपना फैसला नहीं सुना देता तब तक नहीं होगी कोई कानूनी कार्रवाई। केरल के रहने वाले एक बेरोजगार शख्स की रातों रात बदल गई तकदीर, अबुधाबी में एक लॉटरी के जरिए जीते 13 करोड़ रुपए। और केरल की यूनिवर्सिटी और उससे संबद्ध कॉलेजों में ट्रांसजेंडर समुदाय के छात्रों को मिलेगा आरक्षण, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश।